जब 1999 में हुए वनडे विश्व कप की कामयाबी के बाद आईसीसी ने क्रिकेट के विस्तार की सोची थी, तब सबसे बड़ी चुनौती थी एसोसिएट और एफिलिएट यानी कमजोर टीमों को मजबूत करने की। इसलिए आईसीसी ने प्लान्स बनाए, छोटे देशों के लिए प्लेट लीग बनाई और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैच देने के लिए औपचारिक शेड्यूल भी बनाए। इसके बाद वक्त अपनी रफ्तार पर गुजरा और आज करीब 23 साल बाद ये नजर आता है कितने प्लान्स के बावजूद छोटे देशों के लिए पिछले कुछ साल फायदे का सौदा नहीं रहे, क्योंकि अफगानिस्तान, नामीबिया और ओमान जैसी टीमें अगर बेहतर हुई हैं तो हांगकांग, केन्या, बरमूडा और कनाडा जैसी बीते वक्त की कई अच्छी टीमें अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि कमजोर टीमों को वो प्रैक्टिस, वो मौके और वो पैसे नहीं मिलते हैं जिनकी विरोधी टीम के हर खिलाड़ी को मिलते हैं। या तो बस स्पोर्ट्स कोटे का फायदा उठाने के लिए खिलाड़ी टीम में आना चाहते हैं, लेकिन इस नेगेटिव माहौल के बावजूद भी कई खिलाड़ी अपने दम पर रात दिन मेहनत करके अपने खेल को बेहतर करते हैं और क्रिकेट को जुनून बनाकर खुद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के हवाले कर देते हैं। यही वजह है कि जब ऐसे खिलाड़ी रिटायर होते हैं या कभी याद किए जाते हैं, तब जबान से खुद निकलता है कि काश ये क्रिकेटर किसी बड़े क्रिकेट राष्ट्र में जन्मे होते। यूं तो ऐसे बहुत से क्रिकेटरों की बात नारद टीवी अपनी खास श्रृंखला कमजोर टीमों के महान खिलाड़ी के पिछले एपिसोड्स में कर चुका है, लेकिन जिस तरह अच्छे इंसानों की गिनती कम नहीं है, वैसे ही इस तरह के अच्छे खिलाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए श्रृंखला के चौथे एपिसोड में हम आपको एक बार फिर छोटी टीमों के उन खिलाड़ियों से रूबरू करवाएंगे जिनकी मुश्किल जिंदगी भी उन्हें जुनूनी क्रिकेटर बनने से रोक नहीं पाई, क्योंकि हमारे लिस्ट के हर खिलाड़ी का संघर्ष और महत्व अपनी अपनी टीम के लिए महानता की श्रेणी में आता है। इसलिए हमने आज की वीडियो को काउंट डाउन वीडियो नहीं रखा है। हमारी आज की लिस्ट में पहला नाम है एल्डर सिगंबरा, जिम्बाब्वे। पिछले कुछ सालों में जिम्बाब्वे क्रिकेट भले ही अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी हो, लेकिन खिलाड़ियों के मामले में जिम्बाब्वे क्रिकेट का नसीब काफी अच्छा रहा है, क्योंकि जब 2004 में बागी खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से मना किया तो एक 18 साल के लड़के को जिम्बाब्वे की तरफ से अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका मिला। तब किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो दुबला पतला लड़का आगे चलकर एक बेहतरीन खिलाड़ी बनेगा और जिम्बाब्वे की कप्तानी भी करेगा। दोस्तों, उस लड़के का ही नाम है एल्टन सिगंबरा। आज भले ही सिगंबरा को जिम्बाब्वे क्रिकेट में वो स्थान नहीं दिया जाता है जिसके वो हकदार है, लेकिन सिगंबरा ने जिम्बाब्वे का मिडिल ऑर्डर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से तब संभाला जब टीम बुरी तरह से बिखर रही थी। सिगंबरा ने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तब गेंदबाजी की जब जिम्बाब्वे को बॉलिंग करने के लिए हाथ नहीं मिल रहे थे। इसलिए ही जब सिगंबरा के वनडे आंकड़े 213 मैचों में 4340 रनों के साथ उनके खाते में 101 विकेट भी दिखाते हैं, तब सिगंबरा की श्रेष्ठता पर यकीन होता है और इस बात का अफसोस भी होता है कि सिगंबरा सही वक्त में जन्मे होते तो जिम्बाब्वे के कई बड़े सितारों के साथ मिलकर उन्होंने टीम को कई यादगार जीते दिलाई होती। हालांकि आज भी सिगंबरा की यादगार पारियों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन जिस एक पारी ने सिगंबरा को लोगों के जहन में अमर कर दिया, वो बाउंड रनों की पारी सिगंबरा ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली और जिम्बाब्वे को वनडे क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहली जीत दिलाई थी। इस तरह लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद जब सिगंबरा पर जिम्बाब्वे क्रिकेट की राजनीति ने हमला करना शुरू किया तो सिगंबरा ने चुपचाप 36 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और रिकॉर्ड बुक ने इस महान खिलाड़ी को कहीं बड़े नामों के बीच नीचे दबा दिया। इस लिस्ट का अगला नाम है काइल क्विट्ज़र, स्कॉटलैंड। दोस्तों, बैटिंग स्टाइल और नाम से साउथ अफ्रीकी लगने वाले स्कॉटलैंड के काइल क्विट्ज़र को क्रिकेट इतिहास का सबसे अंडररेटेड एसोसिएट प्लेयर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2003 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने के बाद से काइल ने वनडे में 39 से ज्यादा की औसत बनाए रखने के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4 शतक और 25 अर्धशतक भी बनाए, जबकि इस वीडियो के आने तक क्विट्ज़र ने 4099 अंतरराष्ट्रीय रन भी बना लिए हैं। इसके अलावा क्विट्ज़र के नाम किसी एसोसिएट बैटर द्वारा वर्ल्ड कप में 156 रनों का सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी है। हालांकि लाजवाब टेक्निक और शानदार फॉर्म के साथ 19 साल के इस लंबे क्रिकेट करियर के बावजूद काइल क्विट्ज़र सिर्फ 65 वनडे और 70 टी20 समेत कुल 135 अंतरराष्ट्रीय मैच ही खेल पाए हैं, जिसकी वजह आईसीसी के टेस्ट देशों का एसोसिएट राष्ट्रों के प्रति गैरव जैसा व्यवहार है। वरना क्विट्ज़र की फिटनेस और फॉर्म तो इतनी अच्छी है कि डरहम और नॉर्थहैम्पटन शायर जैसी बड़ी इंग्लिश काउंटी टीमों ने उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। 68 साल के क्विट्ज़र अब निश्चित तौर पर अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन क्विट्ज़र के आंकड़े और उनका व्यवहार इस बात का सबूत है कि जब काइल क्रिकेट को अलविदा कहेंगे तो उन्हें यकीनन कमजोर टीमों के महान खिलाड़ी के तौर पर याद रखा जाएगा। अगले नंबर पर हैं आसिफ करीम, केन्या। आसिफ यूसुफ करीम, हो सकता है कि बहुत से दर्शकों ने ये नाम पहली बार सुना हो, लेकिन केन्या के आसिफ करीम पिछली सदी के अंत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ के स्पिनर गिने जाते थे। आसिफ की प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मशहूर कमेंटेटर रिची बेनो ने कहा था, अगर आसिफ के टाइम में ऑक्शन की प्रथा होती तो आसिफ उस दौर के सबसे डिमांडेड लेफ्ट आर्म स्पिनर होते। यूं तो आसिफ ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में खेले 34 वनडे मैचों में सिर्फ 27 विकेट हासिल किए, लेकिन आसिफ की चालाकी और उनका टैलेंट इससे कहीं ज्यादा था। इसका एक सबूत 2003 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तब देखने को मिला जब आसिफ ने 8.5
2.2 ओवर के स्पेल में 6 मेडन ओवरों के साथ सिर्फ 7 रन देकर 3 बड़े विकेट लेते हुए ऑस्ट्रेलिया खेमे की धड़कने तेज कर दी थी। हालांकि इस स्पेल के बाद और पहले भी आसिफ ने कई यादगार प्रदर्शन किए थे, लेकिन उस स्पेल ने बतौर खिलाड़ी आसिफ की क्वालिटी से विश्व को रूबरू करवाया और छोटा करियर होने के बावजूद आसिफ को महान एसोसिएट खिलाड़ी बना दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम है पॉल स्टर्लिंग, आयरलैंड। 2007 वनडे विश्व कप में पाकिस्तान को हराने के बाद जब आयरलैंड का नाम पहली बार खबरों में आया, तब आयरिश क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स की संख्या थोड़ी बढ़ गई। इसके बाद 2011 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के चलते आयरलैंड क्रिकेट भी मुख्य धारा में गिनी जाने लगी। उस दौरान ही पॉल स्टर्लिंग ने आयरलैंड के लिए डेब्यू किया। बेलफास्ट में जन्मे इस दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज के पास लहराती हुई गेंदों के खिलाफ जबरदस्त डिफेंस है, तो वहीं खराब गेंदों के लिए ताबड़तोड़ स्ट्रोक्स भी है। आसान भाषा में कहें तो पॉल स्टर्लिंग ओपनिंग स्लॉट के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। यही वजह है कि पॉल के नाम वनडे क्रिकेट में 117 रनों के बड़े स्कोर समेत 12 शतक और 26 अर्धशतक भी हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में 1 शतक और 20 अर्धशतक पॉल की आक्रामकता को बताते हैं। आयरलैंड के लिए 136 वनडे, 3 टेस्ट और 101 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पॉल स्टर्लिंग का नाम बल्लेबाजी से जुड़ी हर आयरिश रिकॉर्ड लिस्ट में मिलेगा। पॉल स्टर्लिंग वर्तमान में 5,047 रनों के साथ वनडे क्रिकेट में और 2,493 रनों के साथ टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले आयरिश बल्लेबाज हैं। और दोस्तों, ये तो सिर्फ स्टर्लिंग के अंतरराष्ट्रीय आंकड़े हैं। अगर हम पॉल के फर्स्ट क्लास और लिस्टेड रिकॉर्ड्स पर बात करने बैठ गए तो सारा वक्त पॉल स्टर्लिंग की ही तारीफ करने में निकल जाएगा, क्योंकि पॉल स्टर्लिंग के आंकड़े हैं इतने शानदार। यही वजह कि आज विश्व क्रिकेट के बहुत से एक्सपर्ट्स पॉल स्टर्लिंग को अभी से आयरलैंड क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज गिनते हैं। और हमारे इस लिस्ट में आखिरी नाम है मोहम्मद नबी, अफगानिस्तान। दोस्तों, आज भी अफगानिस्तान क्रिकेट या वहाँ के क्रिकेटर्स की बात होती है तो अक्सर शुरुआत अफगानिस्तान क्रिकेट के उस दौर से होती है जब अफगानिस्तान टीम के पास खेलने को ग्राउंड और स्पॉन्सर नहीं थे। लेकिन इन सबके फिल्मी स्ट्रगल में हम ये भूल जाते हैं कि 2015 तक खुद को साबित करने के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में राजनीति और गुटबाजी भी खूब हुई, जिसके चलते कई बार टीम का माहौल बिगड़ा है। लेकिन जिससे एक अफगान खिलाड़ी ने हर बार टीम को जोड़ने का काम किया है, उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद नबी, क्योंकि नबी उन जुझारू और जुनूनी खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 2009 में अफगानिस्तान की ओर से पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में हिस्सा लिया था। इसलिए 13 साल लंबे अतुलनीय अनुभव का फायदा आज नबी को टीम संभालने में मिलता है। नबी वर्तमान में उन चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में से हैं जो अपनी पिछली मैच की गलतियों से सबक लेकर लगातार खुद को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर करते हैं। यही वजह है कि 3 टेस्ट, 127 वनडे और 86 टी20 मैचों में कुल 4,373 रन बनाने के साथ नबी ने 211 अंतरराष्ट्रीय विकेट भी हासिल किए हैं। साथ ही इस दौरान नबी अफगानिस्तान के लिए 100 वनडे खेलने वाले और 100 वनडे विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं। इसके अलावा नबी के नाम अफगानिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी है। नबी के आक्रामक ऑलराउंड खेल का नतीजा ही है कि आज नबी को भारत समेत वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों की टी20 लीगों में शामिल किया जाता है, जहां नबी का शानदार खेल अफगानिस्तान टीम का नाम हाईलाइट करता है। विदेशों में नबी का यह रुतबा बताने के लिए काफी है कि मोहम्मद नबी का अफगानिस्तान क्रिकेट में क्या योगदान है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 खिलाड़ी जो हमारे हिसाब से कमजोर टीमों की शान है, लेकिन चर्चा में काफी पीछे हैं। हालांकि इस लिस्ट में अभी बहुत से नाम बचे हुए हैं, इसलिए इस वीडियो पर अगर आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो जल्दी लौटेंगे इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस सीरीज पर अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।